बात करेंगे आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म देवरा को लेकर है। तो अब देवरा को लेकर न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि इस फिल्म के मेकर्स बाहुबली फिल्म की तरह अपनी मूवी का थोड़ा बहुत प्लॉट रखने वाले हैं। मतलब कि जहां हमें ये फिल्म दो पार्ट में देखने को मिलेगी, तो वही जूनियर NTR देवरा में हमें बाप और बेटे के रोल में दिखाई देने वाले हैं। तो अब बस ये देखना होगा कि क्या मूवी भी बाहुबली की तरह फैंस का प्यार और पैसा भी कमा पाती है या नहीं। दूसरी अपडेट कल्की को लेकर है। तो अब प्रभास की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म कल्की को लेकर न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि जल्दी इसका टीजर मेकर्स रिलीज करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मार्च की 21 तारीख को कल्की का टीजर काफी बड़े लेवल पर रिलीज हो जाएगा और फिर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इसका ट्रेलर भी फैंस के सामने रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे अब प्रभास की कल्की फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में बताना। तीसरी अपडेट अल्लू अर्जुन और एटली कुमार को लेकर है। तो अब सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की नई मूवी को लेकर खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो जल्द डायरेक्टर एटली कुमार के साथ एक हाई बजट पैन इंडिया फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि एटली कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए पूरे 60 करोड़ की फीस की मांग करी थी और इस मूवी के प्रोड्यूसर ने एटली कुमार को 60 करोड़ फीस देने की बात पर भी हाँ कर दी है। और अब कहा जा रहा है कि आने वाले 8 अप्रैल को यानी कि अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन इस मूवी के मेकर्स इस मूवी की कोई बड़ी फैंस के सामने रखने वाले हैं। चौथी अपडेट RC-16 को लेकर है। तो रामचरण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म RC-16 को लेकर न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि रामचरण के अपोजिट इस मूवी में जानवी कपूर तो होगी ही, साथ ही इस फिल्म के मेकर दिशा पटानी को भी इस मूवी में कास्ट करने वाले हैं। मतलब कि अब रामचरण के साथ इस मूवी में दो फीमेल एक्ट्रेस नजर आने वाली है और आने वाले कुछ दिनों में ही इस मूवी को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट इस मूवी के मेकर्स करने वाले हैं। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में, तो शैतान मूवी ने अपने शुरुआती 9 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 90 करोड़ की कमाई कर ली है और अब जल्दी ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े को भी आराम से पार कर लेगी। वैसे कि आपने अभी तक अजय देवगन और R. माधवन की शैतान मूवी अभी तक देखी है या नहीं, कमेंट में बताना।